में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दुबई ट्रिप पे, जैसा कि आपने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ा। नाउ आई नो मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग और प्लानिंग अ दुबई ट्रिप और यूएई ट्रिप रादर बिकॉज वी आर अप्रोचिंग विंटर ओवर हियर। सो द क्लाइमेट फ्रॉम आई वुड वेरी प्रिसाइजली से फ्रॉम नवंबर टिल मार्च और अप्रैल विल बी वेरी प्लेजेंट। अगर आप दुबई की ट्रिप प्लानिंग का सोच रहे हो तो इसी टाइम पीरियड में प्लान करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ये टाइम पीरियड पे आते हैं, एंजॉय करते हैं क्लाइमेट को, प्लेसेस को, इवेंट्स को और बहुत सारी एक्टिविटीज को। वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट मैं देने वाला हूँ इस वीडियो पे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि क्या पता किसके काम में आए। नंबर ऑफ पीपल हु हैव ट्रैवल्ड Dubai or other I would say UAE in the year 2018 is almost 20 million. In me se I'm sure more than 50% of them as a tourist if they are have traveled during the winter period, because as I said winters here are always pleasant. That makes it all more important for me to make this video because winter is approaching as I said. Koi bhi agar aap trip plan kar rahe ho out of the country to sabse important thing which is main prerequisite is your passport. So of course it's a mandatory thing because without which you are not allowed to travel out of the country, right? तो मैं ये मानता हूँ कि आप सबके पास पासपोर्ट है। अभी next things are visas and tickets, right? तो visa दुबई आने के लिए या फिर UAE आने के लिए, now let me tell you one thing कि UAE is a country and Dubai is a city or state you can say or province you can say. There are three types of visas. First transit visa which is of 96 hours. Now transit visa क्या है? अगर आप for example San Francisco जा रहे हो और दुबई आपका स्टॉप ओवर है, लेकिन आपको दुबई भी एंजॉय करना है बिफोर सैन फ्रांसिस्को, सो यू कैन स्टॉप इन दुबई, यू कैन स्टे फॉर 96 आवर्स इन दुबई, यू कैन एंजॉय अराउंड एंड देन यू कैन फर्दर प्रोसीड टू सैन फ्रांसिस्को। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट वीजा। देन कम्स योर वन मंथ वीजा। अभी वन मंथ मतलब 30 डेज टू बी वेरी प्रिसाइज। इफ यू एक्सीड 30 डेज देन देयर आर फाइंस। सो 30 डेज के लिए आपको एक वीजा मिल जाता है और देन थर्ड वन इज कॉल्ड 90 डेज वीजा व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा। इन सबका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, स्क्रीन पे भी फ्लैश होते रहेंगे, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझे। एनी वीजा एप्लीकेशन यू हैव टू हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड टू द कंपनी, राइट? सो आई हैव लिस्टेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू सेंड अ स्कैन कॉपी ऑफ इट, यू डोंट हैव टू प्रेजेंट बाय योरसेल्फ। जो भी वीजा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं वो आप आराम से और वेरी केयरफुली गो थ्रू करना, फिर आप समझना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स भेज दो और ईमेल में लिख दो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितने ड्यूरेशन के लिए वीजा चाहिए। नाउ इवन इफ यू से वांट टू स्टे फॉर 15 डेज और 20 डेज, यू विल हैव टू हैव वन मंथ वीजा बिकॉज दैट इज द मिनिमम टूरिस्ट वीजा दैट एनीबॉडी कैन गेट इट। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टिकट्स। Now there are so many ticketing sites available, like you have cleartrip.com, musafir.com, makemytrip.com or whichever you might have come across. तो ऐसे बहुत सारे ticketing sites हैं, बहुत सारी apps भी हैं। तो मैं जो frequently use करता हूँ वो है cleartrip.com. Although this video is not sponsored by cleartrip.com, but I would say cleartrip.com is very reliable site. और वो उधर जो टिकट्स अवेलेबल है वो दे आर चीपर कंपेयर टू द अदर साइट्स। बहुत सारे वीडियोस में मुझे टिकट्स के बारे में क्वेश्चंस आए और बहुत सारे क्वेश्चन प्राइसेस के रिलेटेड थे, तो इसके बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये जो प्राइसेस है ये टू सर्टेन एक्सटेंट दे कीप वेरिंग बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग टू दुबई और द टाइम पीरियड विच यू आर चूजिंग टू कम टू दुबई। तो अगर आप विंटर चूज कर रहे हो तो डेफिनेटली प्राइसेस विल बी लिटिल हायर बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल एज आई सेड हु कीप ट्रैवलिंग टू दुबई एज अ टूरिस्ट एंड ऑफ कोर्स द डिमांड इज मोर, राइट? तो प्राइसेस वेरी करेंगे। Now the third thing which is also one of the most important things to travel is hotel accommodation या फिर hotel apartment accommodation which you can choose as per your requirement or necessity, because अगर आप hotel apartment choose कर रहे हो तो basically of course आपको cooking is a necessary thing for you because you are maybe not habitual to outside food or you are not allowed to have outside food whatever it is. तो दुबई में सभी तरीके के होटल्स अवेलेबल है, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star, इवन 7 star होटल आल्सो इज अवेलेबल और इनकी रेंज पूरी आपको जो होटल बुकिंग साइट्स है जैसे कि booking.com हुआ, एक्सपीडिया हुआ या फिर ट्रिवागो हुआ या फिर इवन dinatatravel.com आल्सो इज देयर व्हिच इज अ लोकल दुबई साइट, इनमें सब आपको प्राइसेस मिल जाएंगे। होटल एकोमोडेशन चूज करते वक्त आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ट्राई टू चूज अ होटल विच इज
as near as possible to the public transport. Because there are many tourist attractions in Dubai which are very, very, very well connected with public transport, and you may need to use even taxi as minimum as possible. So this is the thing which you have to consider while booking any hotel. अभी बहुत सारे देसी लोग जो दुबई ट्रैवल करते हैं, फिर यूएई ट्रैवल करते हैं, वो दुबई में ऐसी कुछ जगह है, स्पेसिफिक जगह है जिधर होटल बुकिंग करते हैं या फिर होटल बुकिंग प्रिफर करना चाहते हैं, जैसे कि डेरा हुआ, बर दुबई हुई, करामा हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। इनफैक्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स दुबई में आपको बहुत जगह पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे देसी लोग भी रहते हैं। तो और ये जो एरियाज है वो शॉपिंग के लिए भी बहुत कन्वीनियंट है, और चीपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रोज और बस स्टॉप्स आर इन द विसिनिटी ऑफ दीज एरियाज। So, आपको booking.com या फिर किसी भी होटल बुकिंग साइट पे आपको दिखेगा कि शारजा में या फिर अजमान में जो होटल्स है वो चीपर है, बट देन देर आर नॉट इनफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन दीज रीजन्स। ऑल्दो दुबई इज वेरी वेल कनेक्टेड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दीज काइंड ऑफ रीजन्स लाइक शारजा, अजमान, उमल क्वैन, रास अल खैमा, ये भी एमिरेट्स है, लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। तो आप अगर इधर रहते हो, आपको अगर चीपर होटल मिल भी गया तो भी टैक्सी से आना जाना पड़ेगा, विच इज काइंड ऑफ अ लिटिल इनकन्वीनियंट। तो अभी नेक्स्ट थिंग है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दुबई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो मेट्रोज आर वेरी चीप, देन कम्स बसेस, देन ट्राम्स एंड देन टैक्सीज। सो टैक्सी आप जितना सोच रहे हैं उतना एक्सपेंसिव है नहीं। अगर आप उबर बुक करते हो तो आपको लग्जरियस टैक्सीज मिल जाएगा, जैसे कि लेक्सस है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू, यू कैन चूज टेस्लास एज वेल, बिकॉज टेस्लास आल्सो अवेलेबल इन दुबई एज टैक्सीज। ऑफ कोर्स द प्राइसेस विल वेरी बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कार दैट यू आर चूजिंग इन उबर, बट देन नॉर्मल टैक्सीज आर डेफिनेटली मच चीपर कंपेयर टू उबर्स। तो मेट्रो की जो एंड टू एंड जर्नी है, मतलब इस एंड स्टॉप से उस एंड स्टॉप तक, वो है 7 dirham। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मेट्रोस कितने चीप है। नाउ अगेन डिपेंडिंग ऑन द स्टेशंस दैट यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द प्राइसेस विल कीप वेरिंग, बट देन ऑफ कोर्स इफ इट इज मैक्सिमम 7 dirham देन यू कैन इमेजिन हाउ चीप इट इज। एंड देयर आर मेनी ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन दुबई लाइक बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई फ्रेम, बर दुबई, JBR walk and so many of them others as well are very 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 well connected by metro. So choose a hotel which is nearby metro if you want to save on public transport or rather the commute. Now there's one more mode of transport actually which is cheapest mode of transport which I forgot to tell you, which is Abra ride. Now Abra ride is nothing but a boat ride. ये दुबई क्रीक में चलती है और ये मल्टीपल डेस्टिनेशंस को इनफैक्ट कनेक्ट करती है, जैसे कि बर दुबई, नाइफ रोड, डेरा, एंड इट इज एज आई सेड एज चीप एज 1 dirham, सो यू कैन इमेजिन। तो उसका भी आप आनंद ले सकते हो, क्योंकि हमने इस पे एक ब्लॉग बनाया फुल फ्लेज्ड जो आप गो थ्रू करो और देखो कि थ्रू एब्रा राइड व्हाट ऑल यू गेट टू सी। अभी बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट इन दुबई और अदर इन यूएई। सो देयर आर मेनी प्लेसेस एक्चुअली। इसका एक साइट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसपे सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिस्प्ले किए हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दी है, उधर आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी दिया है, जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। लेकिन अभी मैं बात करूंगा फिलहाल जो मेरे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और हमने बहुत सारे ब्लॉग्स भी बनाए इस पे, तो हमारे चैनल पे वो देख लेना जो भी दुबई रिलेटेड ब्लॉग्स है। तो पहला टूरिस्ट प्लेस जो कि सबका फेवरेट है and I'm sure you will be very itching to visit it, which is Dubai Mall and Burj Khalifa. Now अगर आप एजेंट के पास जाओगे या फिर किसी को पूछोगे कि आपको दुबई ट्रिप प्लान करना है, तो दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा ये सेपरेट प्लेसेस या सेपरेट टूरिस्ट पॉइंट करके आपको बताएंगे। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दुबई मॉल एंड बुर्ज खलीफा आर जस्ट कनेक्टेड, आई मीन जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस, यू जस्ट हैव टू कम आउट ऑफ दुबई मॉल एंड देन यू हैव बुर्ज खलीफा। इन फैक्ट इफ यू वांट टू गो बुर्ज खलीफा एट द टॉप, इसका भी हमने फुल फ्लेज वीडियो बनाया जो कि अभी आई लिंक पे आपको नजर आ जाएगा। दुबई के मेरे जो बाकी के फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस है वो है दुबई फ्रेम, JBR वॉक, गोल्ड सूक, पाम अटलांटिस, बुर्ज अल अरब, जुमेरा बीचेस, ब्लू वाटर आईलैंड, लेगोलैंड, दुबई पार्क एंड रिसोर्ट, फिर वाइल्ड वादी, डाउ क्रूज, सो ये सब तो मस्ट विजिट है। देर आर सम टूरिस्ट अट्रैक्शन इन अबू धाबी एज वेल व्हिच आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रेकमेंड। फर्स्ट ऑफ व्हिच इज फेरारी वर्ल्ड। फेरारी वर्ल्ड इज द इंडोर थीम पार्क, आई मीन इंडोर इन द सेंस इट इज अंडर एयर कंडीशन एंड सम ऑफ द राइड्स आर ऑल्सो आउटसाइड व्हिच यू कैन एंजॉय। इन फैक्ट वर्ल्ड्स फास्टेस्ट राइड इज इन फेरारी वर्ल्ड, सो दैट थिंग इज मस्ट विजिट काइंड ऑफ, एंड यू कैन एंजॉय, इवन योर किड्स ऑल्सो कैन एंजॉय। देन उसके बाद है ग्रैंड मॉस्क विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉस्क, और वो बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है और मेंटेन भी किया है, यू विल फील वेरी पीसफुल देयर। देन यू हैव एमिरेट्स पैलेस विच इज
वेरी लग्जरियस पैलेस एंड यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट वॉक इन विदाउट हैविंग टू यू नो पे एन एंट्री फी देयर. और या ये तीन चीजें हैं अबू धाबी में जो मैंने लिंक दिया है नीचे टूरिस्ट प्लेसेस करके, वो आप गो थ्रू करना और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर आपको जो अच्छा लगता है. फॉर एग्जांपल अगर आपको किड्स है तो आपको किड्स पार्क जाना अच्छा लगेगा, राइट. तो वो भी उसमें मेंशन किया है कि कहाँ पे है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और कितना बड़ा है. सो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. अगर आप देखोगे कि दुबई टू अबू धाबी इज नॉट कनेक्टेड बाय मेट्रो तो आप कैसे जाओगे दुबई टू अबू धाबी? एक ऑप्शन ऑफकोर्स है आपके पास टैक्सी, लेकिन अगर आपको चीपर ऑप्शन ट्राई करना है या फिर चीपर ऑप्शन यू वांट टू गो फॉर चीपर ऑप्शन देन यू हैव बस फैसिलिटी. नाउ देर आर मेनी बसेस एक्चुअली विच स्टार्ट फ्रॉम दुबई फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स, सो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विच विल बी हेल्पफुल टू यू बिकॉज ऑफकोर्स आपको अबू धाबी तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा इन टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने के लिए जो मैंने कहा अबू धाबी में है. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट टू ईट, वेयर टू ईट एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट. इसके बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप देसी हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट चेन्स जो इंडिया में हैं या फिर पाकिस्तान में हैं वो आपको इधर भी मिलेंगे, जैसे कि दिल्ली दरबार हुआ, कराची दरबार हुआ या फिर कामत रेस्टोरेंट हुआ, महेश लंच होम, सुख सागर, यू जस्ट नेम इट एंड दे ऑलमोस्ट हैव इट हियर. तो आपको फूड की किधर भी कमी नजर नहीं आएगी क्योंकि आप जहां भी जाओगे जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि फूड आउटलेट्स है, रेस्टोरेंट्स है और बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट्स भी है. अगर आप वेजिटेरियन भी हो या फिर वेगन भी हो तो भी आपको आराम से ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. बट आई वुड ऑल्सो से दैट इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन लवर देन यू शुड डेफिनेटली गिव अ ट्राई टू देयर लोकल फूड बिकॉज देयर लोकल फूड ऑल्सो इज गुड, स्पेशली मंदी दैट वी लाइक और कबाब्स, हमूस, खपूस. And the most important thing which is my very 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 favorite, in fact जिससे मुझे मुंह में पानी आया है वो है उनका local sweet, इसको बोलते हैं कोनाफा. अभी कोनाफा आपको दो चीजों में मिल जाएगा, कोनाफा with cream और कोनाफा with cheese. I would recommend you to try कोनाफा with cheese because it is very 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 delicious. In fact मुझे अभी खाने का मन हो रहा है बात करते करते. अगर मैं prices बताऊँ तो बहुत vary करती है depending on the restaurants that you choose. But then normally for one person you can spend almost around 30 to 40 dirham and it can have stomach full lunch. अभी सबसे important point जो कि है shopping, in fact जिसके लिए बहुत सारे tourists दुबई आते हैं, तो shopping अलग अलग चीजों की हो सकती है, right? तो कहाँ से क्या खरीदना है वो मैं आपको precisely बताऊंगा. तो अगर आपको clothes खरीदने हैं तो मैं recommend करूंगा कि आप malls visit करो. malls में बहुत सारे branded and non-branded clothes available है, depending on your requirement you can shop it, even shoes as well. अगर आपको खरीदना है इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बरदुबई जाओ. बरदुबई में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स अवेलेबल है एंड दे विल गिव यू एनी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ वेयर इट कैन बी कैमरा, लेंसेस, मोबाइल्स, गोप्रो स्टफ. अभी रही बात गोल्ड के शॉपिंग की विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो गोल्ड की शॉपिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा मीना बाजार इन बरदुबई. यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड शॉप्स अवेलेबल है और यहाँ पे आप बार्गेन भी कर सकते हो मेकिंग चार्जेस पे. ऑफ कोर्स गोल्ड रेट तो सब जगह सेम रहता है, आई मीन इन दुबई एवरीवेयर इट विल बी सेम, बट देन द ओनली बार्गेनिंग दैट यू कैन डू इज ऑन मेकिंग चार्जेस. नाउ गोल्ड सुक ऑल्सो इज वन ऑफ द एरियाज वेयर देयर आर सो मेनी गोल्ड शॉप्स एंड पीपल गो देयर टू बाय गोल्ड, बट देन although the gold price is same you may not be able to you know bargain much on making charges there kyunki wo log tourist ko aisa treat karte ki unko you know jyada samajh nahi hai idhar ke making charges ki ya fir bargaining ki ya fir etc thing. to meena bazar bar dubai is the best thing to buy gold. So Dubai is also very well known for shopping of makeup stuff and there are almost all the brands available here which are very good quality brands and you will have to shop them in malls of course. So you know stuff like Maybelline or Sephora, Huda Beauty are really good ones. Mac, yes. मेरी वाइफ को ज़्यादा पता है मुझे. Actually मैं ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा इसके बारे में, लेकिन yeah, of course those who are into it will definitely know. अभी शॉपिंग में लास्ट थिंग बट ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज सुविनियर्स. अभी जो भी दुबई में आते हैं जब भी वो वापस जाते हैं तभी अपने साथ बहुत सारे सुविनियर्स भी लेके जाते हैं, राइट. कुछ अपने लिए, कुछ दोस्तों के लिए, कुछ बांटने के लिए, कुछ गिफ्ट देने के लिए. तो ये सब सुविनियर्स अगर आप मॉल से खरीदोगे तो ऑफकोर्स वो थोड़े से हाई प्राइस पे मिलेंगे. सो दुबई में आपको बहुत सारे बॉलीवुड रिलेटेड स्टोर्स या फिर डे टू डे 1 to 10 ऐसे बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आपको ये सब चीजें बहुत रीजनेबल रेट में मिलेगी. इनफैक्ट मैं बताऊँ ये सब चीजें आपको वहाँ पे सिर्फ 1 to 10 के दिराम के रेंज में ही मिलेगी. तो इतने सस्ते आपको मॉल्स में तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाली है. तो ये सब चीजें आप कहाँ से खरीदना, बॉलीवुड 1 to 10 डे टू डे, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा किधर किधर अवेलेबल है ये.
और गो थ्रू करना। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन डाला है वो आपको गो थ्रू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So guys, I hope you have watched this video till now, and if you have really watched it till now, you must have definitely liked it. So do not forget to hit that like option and do share it with your friends and family as much as possible, so that it will be useful for them. अभी अगर इसके बाद भी और कुछ questions हैं आपके मन में, then put it down in the comment section below. I will try to answer as much as possible. And in fact, I have been answering all your queries. I hope. So यही मैं करता रहूँगा. और इन क्वेश्चन से मुझे यू नो आइडियाज मिल जाते हैं कि और क्या क्या वीडियोस बनानी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, एंड आई एम वेरी ईगर टू डू इट ऑल ऑफ इट। तो अभी मैं वीडियो फिलहाल एंड करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी। अगर आपके मन में जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चन है तो डाल दो कमेंट में, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा या इस पर वीडियो बनाऊंगा, जो भी मुझे अच्छा लगे या फिर जो भी आई फील इज फिजिबल। सो ऑन दिस एंडिंग नोट एज यूजुअल, please stay blessed, stay happy, enjoy your life, and then give love and take love. So, ba ba ba.